वेलकम टू हैप्पी लाइक हर। मेरा नाम वैशाली है और मेरे चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं लाइफस्टाइल वीडियोस, फूड वीडियोस, व्लॉग्स, होम ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ मेरा किचन टूर। वेलकम टू माई किचन, दिस इज माई किचन। सो मेरे किचन में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा सामान अपने किचन में नहीं रखा है बिकॉज हम एक रेंटेड हाउस में रहते हैं और यहाँ पे रहते हुए मुझे ज्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है। इतने समय में थोड़ा बहुत ही सामान इकट्ठा किया है जितनी मुझे जरूरत होती है, बहुत एक्स्ट्रा सामान मैंने नहीं रखा है। तो फिर इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे किचन में मैंने क्या सामान रखा है, क्या क्या रखा है, किधर रखा है, कैसे रखा है और मेरा किचन मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको देती हूँ किचन का ओवरव्यू और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिटेल देखने के लिए कि किचन में कहाँ पे कौन सा सामान कैसे रखा है। ड्रॉवर में मैंने रखे हैं सारे स्पून और यहाँ पे मैंने रखे हैं नाइफ्स, जितनी भी और सारी बड़ी चीजें हैं वो मैंने इस कॉर्नर पे रखी हुई है। और चलते हैं दूसरे ड्रॉवर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने रखी है ये स्ट्रेनर और ये कुछ छोटी बाउल्स हैं जो प्लास्टिक की हैं। एंड यहाँ पे मेरा मेजरिंग ग्लास रखा हुआ है और ये कुछ ग्रेटर्स है, दो ग्रेटर्स हैं और ये मेरे मेजरिंग कप्स यहाँ पे रखे हैं। और हाँ, एक और चीज़ कि मैंने जो भी अपने सारे रैक्स हैं या ड्रॉवर्स हैं उनमें मैंने ये जो मैट है ये बिछा के रखी है। तो ये मैट जो है ऊपर से थोड़ी रफ है तो जो सारी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे ही रहती है, वो खिसकती नहीं है। एंड ये मैट लगाने का एक और फ़ायदा, सबसे जिस वजह से मैंने ये लगाई थी कि आपकी ड्रॉवर नीचे से गंदी नहीं होती है एंड इट्स रियली इजी कि आपको क्लीनिंग करने में भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस आप अपनी ये मैट बाहर निकालो और मैट को क्लीन करो और वापस से लगा दो और बस ड्रॉवर को थोड़ा सा क्लीन कर दो। तो चलो चलते हैं नीचे वाली एंड बूम, ये खाली है। तो ये जो लास्ट रैक है इस पे यहाँ पे मेरा सारा क्लीनिंग का स्टफ रखा हुआ है जो मुझे किचन क्लीन करने के लिए काम आता है। एंड ये कुछ गार्बेज बैग्स यहाँ पे रखे हुए हैं और ये जो क्लीनर क्रीम है ये मैं अपनी किचन क्लीन करने के लिए यूज करती हूँ। दिस इज अ रियली नाइस क्रीम, बहुत अच्छी शाइन आती है किचन में इससे। तो इससे आप अपनी गैस स्टोव भी साफ कर सकते हो, अपना सिंक साफ कर सकते हो, अपने प्लेटफॉर्म साफ कर सकते हो, सारी चीज़ों के लिए मुझे ये यूज हो जाता है। और यहाँ पे रखे हैं कुछ टिश्यू पेपर आपके ड्रेन्स क्लीन करने के लिए, मैंने ये स्क्रबर्स और ये स्पॉन। तो ये सारा स्टफ मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है और सारा यहाँ पे क्लीनिंग का स्टफ है। और अब हम चलते हैं इस काउंटर टॉप पे। तो यहाँ पे मैंने किचन यूज के लिए छोटा डस्टबिन रखा हुआ है और ये रखा है मैंने एक छोटा सा कंटेनर जिसपे मैंने रखा हुआ है किचन यूज के लिए ये स्पॉन और सारे स्क्रबर्स, सील स्क्रबर और बाकी स्क्रबर। और यहाँ पे है मेरे दो डुअल सिंक। यहाँ पे एक मैंने बास्केट रखी हुई है जिससे कि मैं बर्तन वॉश करने के बाद वो सारे बर्तन मैं इस बास्केट में डाल देती हूँ। वहाँ पे मैंने एक टॉवल रखा हुआ है किचन यूज के लिए और छोटा वाइपर। अब चलते हैं हम इसकी सिंक के नीचे वाले कबर्ड में। इस कबर्ड में मैंने रखे हैं अनियन, पटेटो और गार्लिक। तो गार्लिक जो है वो मैंने एक ऐसे एक बॉक्स में रखा हुआ है ताकि गार्लिक जो होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है तो इधर उधर फैल जाता है और खो जाता है बेचारा। तो अगर गार्लिक ऐसे बॉक्स में रखा हो तो इजी रहता है उसको यूज करने के लिए, इधर उधर फैलता भी नहीं है उसका कूड़ा। और मैंने यहाँ पे अनियन, पटेटो और इसमें पटेटो रखे हुए हैं। रखा हुआ है हमारा ऑफिस ले जाने के लिए टिफिन बैग। यहाँ पे रखे हुआ है मैंने आटा और उधर कॉर्नर में रखा है राइस। तो आटा और राइस जो है मैंने उन्हीं पैकेट्स में रखा है जिनमें लेके आता है, तो मैंने अलग से उनके लिए कोई बॉक्स अभी नहीं खरीदा है रखने के लिए, तो मैं ऐसे ही उनको भी स्टोर करती हूँ।
वहाँ पीछे की तरफ मैंने रखे हैं बाकी सारे राइसेस, तो ब्राउन राइस, सुशी राइस और एक दो राइस और है, और वो पीछे एक और टिफिन बैग रखा हुआ है, उसको मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और इस कबर्ड पे मैंने कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे सिर्फ एक सारे पॉलीबैग्स जो भी आते हैं घर में वो सारे पॉलीबैग्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं जो कभी कभी काम आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कबर्ड की तरफ। और इस कॉर्नर में मैंने रखे अपने ग्राइंडर वाले सारे जार, तो ये सारे मेरे ग्राइंडर के जार हैं, इतने मैंने रखे हैं। और यहाँ पीछे मैंने रखे हैं तो, और ये जो है ये स्लाइसर डाइसर, इसको मैं कभी कभी सब्जियाँ कट करने के लिए यूज़ करती हूँ। Mostly my husband uses this slicer dicer. मैं बहुत कम इसको इस्तेमाल करती हूँ, मेरे husband ज़्यादा use करते हैं। ये जो मैंने रखा हुआ है ये एक carton है जो I think हम लोग mangoes लेके आए थे, तो वो mangoes के साथ में ये carton आया था, तो इस carton को मैंने use किया है थोड़ा सा सामान रखने के लिए। और इसमें मैंने रखा है सारे pasta and noodles, और यहाँ पे कुछ मैक्रोनी है, राइस नूडल्स, और जितने भी सारे पास्ता नूडल्स और इंस्टेंट नूडल्स, मैगी और बाकी सारे नूडल्स हैं वो मैंने इसमें रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने नीचे रखे हुए हैं अपनी सैंडविच मेकर, एंड पीछे की तरफ ये कुछ केक बेकिंग का सामान रखा हुआ है, एंड वहाँ पे रखी है मेरी हैंड ब्लेंडर, और फिर कुछ मैंने कोक की बॉटल्स रखी हैं इनकेस अगर कभी कुछ यूज़ हुआ तो, और बाकी सब खाली है, नथिंग देयर, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने थोड़े से आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हैं जिससे कि आपकी किचन थोड़ी सी लाइवली फील होती है, और किचन एकदम खाली खाली और शांत नहीं लगती है, थोड़ा सा कलरफुल लगता है किचन में, इसलिए मैंने ये एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा हुआ है। और ऊपर जो है वहाँ पे मेरा डस्टिंग, जो डेली चपाती बनाने के लिए डस्टिंग के लिए आटा यूज़ होता है वो रखा है, एक कैंडल रखी है। ऊपर वाले शेल्फ पे भी मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट और एक ऐसी बॉटल रखी हुई है जस्ट फॉर डेकोरेशन पर्पस, क्योंकि ये बहुत ऊंचे हैं तो ये कुछ यूज़ नहीं आ सकते, कि यहाँ पे से डेली सामान निकालने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने वो डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ कर लिए हैं। ये है मेरा गैस स्टोव, एंड दिस इज़ ऑटोमेटिक, सो आपको ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी लाइटर वगैरह। और गैस स्टोव के नीचे मेरा ओवन है, और गैस के साइड में मेरा यहाँ पे मैंने अपना माइक्रोवेव रखा हुआ है, और ये वाटर फिल्टर, माइक्रोवेव, और मेरा मिक्सर ग्राइंडर, और ये जो बॉक्सेस है मैं चपाती रखती हूँ, एंड पीछे की तरफ पे सारे वायर्स वगैरह बिकॉज ऊपर राउटर कनेक्टेड है वाईफाई के लिए। और यहाँ पे ही मैं अपनी ओवन के ऊपर ही मैं अपना फ्रूट बास्केट रखती हूँ। ये है लाइटर इन केस अगर कभी जरूरत पड़े तो, ये ज़्यादा मंदिर में यूज होता है। और इधर के कॉर्नर में मैंने टोस्टर रखा हुआ है, जो मुझे कभी यूज़ करना होता है तो मैं उसे बाहर निकाल लेती हूँ, बट मैं यूजुअली इसको यहीं पर ही रखती हूँ। एंड चलते हैं अभी ऊपर की कबर्ड्स में। ये जो कबर्ड है यहाँ पे मेरे सारे स्पाइसेस रखे हुए हैं, ये मेरा स्पाइस जार है, और ये चार जार में मेरा सॉल्ट, शुगर, कारीमम और पेपर और ये सब है। इधर कॉर्नर पे मैंने सील बैग्स रखे हुए हैं, और इधर पे ये सारी मिसलेनियस चीज रखी हुई है, लाइक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर, एप्पल साइडर विनेगर, इनो एंड ऑल दिस स्टफ। और ऊपर मैंने रखे हुए ये सारे मसाले के डब्बे इधर रखे हैं मैंने, और ये जो बॉक्सेस हैं इनमें मैंने सारे मसाले ऐसे डिवाइड करके रख दिए हैं जो कभी कभी यूज होते हैं, बट मैंने किसी स्पेशल डब्बों में नहीं रखे, बट इनको ही मैंने ऐसे सील करके रबर बैंड लगा के इनको मैंने ऐसे रख दिया है। इनमें भी यही सारे मैंने मसाले रखे हुए हैं ये बॉक्सेस में, ताकि इजीली एक्सेसिबल होते हैं और आपको पता रहता है कि कहाँ पे कौन सा सामान रखा है। और इस कॉर्नर में रखे हुए हैं एक दो फूड कलर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, ये सब। तो चलते हैं दूसरी शेल्फ में। और ये शेल्फ में इतना कुछ नहीं है, डेली यूज वाला सामान नहीं है ये, बस मैंने सारा सामान ऐसे ही रख दिया है, यहाँ पे यूज नहीं होता है, लाइक रंगोली कलर और धूप बत्ती, अगरबत्ती, थोड़ा सा बाहर मंदिर का सामान कभी यूज होता है तो फिर हम इधर से निकाल लेते हैं। और ये राउटर का वायर है जो ऊपर से आ रहा है। ओवन और ये स्पाइसेस वाले जार के नीचे ये वाला एक कबर्ड है,
और यहाँ पे सारे खाने पीने का सामान रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया है कि ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे पैकेट्स वो है जो अभी खुले नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो खुल चुके हैं बट मैंने रबर बैंड सील करके रखे हुए हैं। ये इधर के साइड में जो आपको पैक्स दिख रहे हैं, ये सारे दाल के पैक्स हैं जो अभी भी सील्ड हैं, जो खुले नहीं है। और मैंने बाकी जो सारी दालें हैं जो हम लोग बाकी दालें जो यूज़ करते हैं, वो मैंने क्या किया है कि मैंने, और यहाँ पे मैंने ये एक नैपकिन रखी है जिसमें मैं चपाती रैप करती हूँ, ये और ये एप्रन है यूज़ करते हैं जो डेली, और बाकी जो भी सारा स्टफ है जो बाकी सब बूंदी दाल और छोले और ये सब स्टफ जो ऐसे पॉली में है, वो मैंने ये बॉक्स लाके इस बॉक्स में सारी चीज़ें रख दी हैं। तो मैंने बाकी सारे स्टफ इस बॉक्स में रखे हैं जिससे कि चीज़ें फैलती नहीं है और साफ़ सुथरी आपकी जगह रहती है और आपको मिल भी जाती है आराम से सारी चीज़ें, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता। एंड जो नीचे वाली शेल्फ है वो पूरी खाली है, उधर बस इधर कॉर्नर में एक ये बड़ा प्लेट है जिसमें मैंने ये थोड़ा सामान रखा है, सुशी मैट और ये थोड़े स्क्यूअर्स, ये सील बैग्स जो खुले हुए हैं, और ये मेरी चपाती रोल करने रैप करने वाले जो टॉवल्स हैं एक्स्ट्रा, वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। चलते हैं अभी इस वाले रैक की तरफ। तो मैंने यहाँ पे ये बटर रखा हुआ है एक बॉक्स में, बाकी जो बटर होता है मैं फ्रिज में रखती हूँ, जितना यूज़ के लिए चाहिए थोड़ा बहुत मैं इधर रखती हूँ। एंड यहाँ पे ऑयल रखा हुआ है, ये डेली यूज वाला वेजिटेबल ऑयल, और इधर पीछे ऑलिव ऑयल, और भी अगर कोई ऑयल्स हम लेके आते हैं तो इधर इस रैक में हम रखते हैं। और नीचे वाला रैक खाली है, उधर थोड़ा बहुत ऐसे ही थोड़े डब्बे वगैरह रखे हुए हैं। और हाँ, एक और चीज़ की मैंने ऑयल के नीचे भी ये मैट बिछाई हुई है जिससे कि आपकी नीचे की शेल्फ गंदी नहीं होती है। स्टार्ट कर दे, यहाँ पे मैंने अपनी सारी क्रॉकरीज रखी हुई है, प्लेट्स बोल्स, और ये जो टिफिन है ये हम ऑफिस के लंच पैक करने के लिए मैं यूज करती हूँ, और यहाँ पे इधर कप्स और ग्लासेस एंड क्रॉकरी बाकी सब रखा हुआ है। और ये वाला जो शेल्फ है यहाँ पे मेरा सारा स्नैक्स का आइटम रखा हुआ है, और यहाँ पे साइड में मैंने क्लिंग रैप, एल्युमिनियम फॉइल और बेकिंग शीट और ये सब रखा हुआ है, और इधर सारे स्नैक्स के आइटम रखे हैं। और ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको मैंने ये सील बैग में सील करके ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने एक डब्बे में ऐसे रखे हुए हैं। तो जितने भी सारे मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैंने सारे इधर सील बैग कर सील करके ये सब रखे हुए हैं बैग में। और ये वाला जो बॉक्स है इसमें भी मैंने सारा स्नैक्स का ये सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर वाले रैक में यहाँ पे मैंने ये फिर से एक मैट बिछाई है, और इधर मैंने सारा ऑयल अचार वाला स्टफ रखा है, टमाटो सॉस, कोकोनट ऑयल, और पीछे थोड़ा हनी। इसके बगल में ये जो मैंने बास्केट रखी हुई है इसमें मैंने थोड़ा ये वाले शेल्फ में मैंने वो सामान रखा है जो डेली में यूज़ होता है। तो इसमें जो बास्केट रखी है इसमें रखा हुआ है सूजी, मैदा, बेसन एंड सॉल्ट, ये सॉल्ट और ये डेली यूज़ होने वाली चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं। और ये जो बॉक्स है इस बॉक्स में मैंने रखी हैं जो डेली सारी दालें यूज़ होती हैं, तो डेली की यूज़ होने वाली दाल मैंने सारी पॉली बैग्स में है, तो मैंने इस डब्बे में रख दी है, और कुछ पापड़ और ये सब रखा हुआ है। और इधर कॉर्नर पे भी मैंने कुछ दाल और कॉफ़ी, कोकोनट पोहा ये सब रखा हुआ है। और ये जो ऊपर वाला शेल्फ है यहाँ पे सारा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, कार्टन्स, और यहाँ पे साइड में मैंने कुछ रेडी टू ईट फूड रखा हुआ है। इस ड्रॉअर में मैंने अपने सारे कुकिंग वाले बर्तन रखे हुए हैं, और इधर साइड में मैंने रखे हुए अपने चॉपिंग बोर्ड्स।
और इसके नीचे वाले ड्रॉवर में मैंने टिफिन्स एक्स्ट्रा कंटेनर्स रखे हुए हैं, इडली स्टैंड एंड एक्स्ट्रा जो भी कंटेनर्स है वो मैंने सारे इधर रखे हुए हैं। और इसके बगल में ही मेरा फ्रिज है और ऊपर भी एक शेल्फ है, बट वो शेल्फ पूरी खाली है बिकॉज इतना कुछ है नहीं सामान रखने के लिए और वो इजीली एक्सेसिबल भी नहीं है। तो ये थी मेरी किचन जो मैंने आपको दिखाई, होप आप सबको मेरी किचन पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी किचन पसंद आई तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताइए और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल हैप्पी लाइक हर एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव ऑलवेज। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।